बाकी सभी लोग म्यूट पे रहेंगे और खुराना जी बोलेंगे इसके ऊपर, और जब चैट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सभी का लेंगे। हाँ दीपा, इसमें केवल यस यस और नो बोल सकते हैं जी। सर चतुर्दशी का बर्थ है विच इज नॉट गुड, और सर ध्रुव योग है। सर ध्रुव योग वाले सर फैमिली से थोड़ा दूर रहते हैं। और शकुनी सर पंचांग छोड़ के वैसे शुरू करूं? जैसे मर्जी शुरू करो। सैजिटेरियस लगन, जी सैजिटेरियस लगन, सैजिटेरियस लगन वाले सर रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, नॉलेजेबल लोग होते हैं, अपने रूल्स बना के चलते हैं, ये तो देखा गया है। और सर लगन में जो प्लैनेट्स हैं मरकरी मून वीनस सन, सर लगन में मून और वीनस इकट्ठे होने से सर मैरिज, मतलब मून और वीनस इकट्ठे होने से मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत, और सर मून और मरकरी इकट्ठे होने से ये है कि बंदा बोलता कुछ और है करता कुछ और है, मतलब किसी से झूठ नहीं बोलता बट चीजें उतनी हद तक मैनिपुलेट करता है कि सब खुश रहे, मतलब एक्चुअल पोजीशन किसी को भी नहीं बताता। वेरी गुड वेरी और सन लगन में होने से थोड़ा सा इगोइस्टिक, और सर लग्नेश जो है वो 7th हाउस में है, सो इन्होंने ही डिसाइड किया होगा, जब लाइफ पार्टनर को जब देखा होगा तो इन्होंने ही डिसाइड किया होगा कि यही शादी करनी है। और हाँ, ये एक इंटरचेंज है लगन और सेवंथ के बीच में। हाँ जी, तो सर इनके लिए सर क्योंकि लगन और सप्तम का एक्सचेंज है तो इनके लिए किसी को भी मतलब अपनी बातों से अगर ये किसी के साथ ट्यूनिंग बनाना चाहे तो ट्यूनिंग बनानी आसान हो जाती है। उन्होंने और उन्होंने चैट बॉक्स में बताया भी है, यस ट्रू। ठीक है सर, थैंक यू। और सर लगन में वीनस है तो सजने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक, अच्छा दिखने का इसमें शौक। इसमें इसमें जो आप एक बात कह रहे थे ना कि अपनी पसंद से विवाह किया होगा, हाँ जी उसमें जब बृहस्पति सातवें स्थान से संबंध बना लेता है ना कभी भी, हाँ जी तीसरे स्थान में बैठा हो, ग्यारहवें स्थान में बैठा हो, लगन में बैठा हो, सातवें स्थान में बैठा हो, तो एक बार को ये हो सकता है कि व्यक्ति की राय जरूर रखी जाती है कि भाई आप इनको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये जो विवाह होता है ये पूर्णतः सामाजिक ताने बाने के साथ होता है, कस्टमाइज होता है हमेशा। हाँ ऐसा जी अधिकतर कुंडलियों में देखा है, बृहस्पति किसी भी प्रकार से सातवें स्थान से संबंध बनाए, अर्थात ग्यारहवें स्थान में हो, लग्न में हो, तीसरे स्थान में हो, सातवें स्थान में हो, तो विवाह हमेशा ही व्यक्ति का सामाजिक ताने बाने से, रीति रिवाज से, पारिवारिक मर्यादाओं से होता है। पसंद इनमें सम्मिलित हो सकती है, नो डाउट, लेकिन विवाह होता है रीति रिवाज के माध्यम से। जी ठीक है सर। सर मेरा मतलब ये था कि अगर अरेंज मैरिज में भी गए हैं जैसे लड़का लड़की, मतलब लड़के ने देख के डिसाइड किया, मतलब जो नेटिव है उन्होंने देख के डिसाइड किया कि मुझे यही शादी करनी है, सर सेकंड लॉर्ड, सर फर्स्ट हाउस के बारे में और तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, इसमें
एक दो चीजें आपसे स्किप हो रही हैं, हाँ जी यद्यपि आप जानते हैं, फिर भी हो सकता है आपके स्वास्थ्य के कारण से आप इसको स्किप कर पा रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम जोशी जी को दे देंगे ये चार्ट, वो भी कर सकते हैं इंटरप्रिटेड, लेकिन मैं आपको सम अप कर देता हूं। पहला, हाँ जी ये अमावस्या की तरफ बढ़ता हुआ चंद्रमा है, तो कई बार आप लोगों के साथ ये डिस्कशन किया है, ये साझा किया है कि प्रथमा, शुक्ल प्रथमा, अमावस और चतुर्दशी, इनके आसपास जब भी जन्म हो व्यक्ति का, दो तीन समस्याएं लेके आ सकता है। एक, शास्त्रीय कहता है कि माता पिता के सुखों में कमी होती है। नंबर दो, आगे वंश वृद्धि में भी कई बार या तो डिले होता है या समस्याएं आती हैं परिवार के बढ़ने में। तीन, अपने दाम्पत्य जीवन में जो ससुराल पक्ष है उससे सम्मान में कमी होती है। ये जितनी आशा करें कि मेरे इन लॉज जो हैं मेरे को अपना सम्मान दे, उसमें कमी देखने को मिली है। ऐसा ये तीन तरह से ये जो है योग बना रहा है। दूसरा, अमावस्या में जा कौन रहा है? अमावस्या में जा रहा है अष्टमेश। अमावस्या बनाने वाला ग्रह कौन है? अष्टमेश है। अष्टमेश अमावस्या बना रहा है, तो कई बार व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाने में, अपनी पहचान बनाने में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा देखा गया। उसका कारण क्या है? आठवां स्थान व्यक्ति के अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है कि मैं हूं क्या। तो यदि अष्टमेश अमावस्या योग में है तो कई बार व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने में, अस्तित्व बनाने में बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो चैट बॉक्स के माध्यम से वो साझा कर देंगी। और सूर्य शुक्र ये दोनों ही इकट्ठे हैं, सूर्य शुक्र दोनों इकट्ठे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है। तो सूर्य शुक्र जब भी इकट्ठे होते हैं तो हम लोग, आप लोगों के साथ कई बार इस बात को भी साझा किया है कि सूर्य और शुक्र यदि इकट्ठे हों तो मल्लप्रिय कहा गया है और शस्त्र प्रिय कहा गया है। अर्थात ऐसे लोगों को कसरत व्यायाम बहुत अच्छा लगता है, और साथ में शस्त्र प्रिय कहा गया। शस्त्र प्रिय का अर्थ होता है इस व्यक्ति के पास कोई हथियार होना चाहिए। हथियार की जो परिभाषा है, शस्त्र की जो परिभाषा है, वो कई तरीके से दी जा सकती है। जैसे एक लेखक के पास उसका शस्त्र है उसकी कलम, उसका पेन, लेखनी। एक विद्युत कर्मचारी के पास उसका हथियार है प्लास, पेचकस, टेस्टर। एक आर्किटेक्ट के पास उसका हथियार होगा उसके जो टूल्स हैं। एक चिकित्सक के पास हथियार होगा उसका थर्मामीटर, स्टेटोस्कोप। ठीक है, तो भले ही इस तरह के लोग अपने व्यवसाय के अनुसार उससे संबंधित चीजें सदैव ही कैरी करके चलते हैं। जैसे आप, हम सब लोग ज्योतिष के जिज्ञासु हैं और ज्योतिष लगातार पढ़ते भी हैं, तो यदि हम और आप देखें तो हमारे पास हमारा जो हथियार होगा, हमारे पास जो हमारा शस्त्र होगा वो क्या है? जन्मांक का आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा टूल जिसको हम कहीं भी खोल के जन्म पत्रिका निर्माण कर सकें और जन्म पत्रिका देख सकें। तो जैसे कि अभी के समय में जो आप हम लोग हैं वो मोबाइल के ऊपर भी इस तरह के एप्लीकेशंस, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करके रखते हैं कि यदि आवश्यकता हुई तो हम उसे खोल लेंगे, जिससे कि कुंडली का निर्माण किया जा सकता है। यही योग कहलाता है शस्त्र प्रियता, मतलब उसके पास जो अति आवश्यक टूल है वो हमेशा विद्यमान रहता है किसी ना किसी रूप में।
दूसरा जैसे आपने बोला बुध का और चंद्रमा का, ये बिल्कुल सटीक वो है तथ्य। बुध चंद्रमा का इकट्ठा होना ये बातों को बहुत ही घुमा के और मैनुपुलेटिवली तरीके से इसको कह सकते हैं, दैट्स अ ट्रू पॉइंट। योर एक्सेल आपका जो बिंदु है बिल्कुल बिल्कुल ही सटीक बैठता है। उसके बाद आता है चंद्रमा शुक्र का योग, क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्रह कई सारे इकट्ठे हैं लेकिन इसमें सूर्य जो है वो है हमारे 23 अंश के और लग्न है हमारा 8 अंश का। तो सूर्य मूलतः यदि देखा जाए तो खिसक के चलित कुंडली में दूसरे स्थान में चले जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे स्थान में सूर्य का जाना कहीं कहीं जो योग हम शुक्र चंद्रमा से देख रहे थे वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, मतलब होगा तो सही लेकिन वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्षीण पड़ जाता है, लेकिन चंद्रमा और शुक्र वहीं रहेंगे। तो जैसा आपने कहा कि ये वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए कई बार कुछ अटपटे से योग बनाता है। साथ ही इसमें एक और कहा था, जब कुंडली आरंभ करी थी मैंने कहा था ध्रुव योग, तो आपने तो खैर उस बिंदु को पकड़ लिया। ध्रुव योग में जिनका जन्म होता है, मैंने ऐसा बहुत देखा है, जब ध्रुव योग में जन्म है तो कई बार व्यक्ति मात्र भक्त होता है और इस कारण से अपने जीवन साथी को भी वो ये उनसे अपेक्षाएं रखता है कि ये भी उसी प्रकार से मेरे माँ का ध्यान रखे, मेरी माँ की सेवा करें। तो ये उनमें देखने को मिला है। इसके उपरांत आते हैं सजिटेरियस लग्न, धनु लग्न। धनु लग्न को यदि देखा जाए, एक सटीक इनके दिमाग में लक्ष्य निर्धारित है, मुझे ये प्राप्त करना है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसके पास मनुष्य जैसी बुद्धि और अश्व जैसी शक्ति भी है वहां तक दौड़ने के लिए। धनु राशि में 3 नक्षत्र विद्यमान होते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। मूल धनु की नोक पे बैठा हुआ है, पूर्वाषाढ़ा उसके जो अंगूठे से खींचा गया तीर है उसके ऊपर बैठा हुआ है, और उत्तराषाढ़ा उसके कंधे पे है। योग क्या बनता है, यदि मूल में है तो ध्यान अधिक से अधिक केंद्रित है अपने लक्ष्य पे, और किसी भी समय छोड़ देगा वो। अगर वो पूर्वाषाढ़ा पे है तो ऐसा व्यक्ति बस लक्ष्य तो एक अलग बात है, उसने उसको पकड़ के रख रखा है, वो किसी भी समय छूट सकता है उसके हाथ से। और यदि वो उसके कंधे पे है तो इसका मतलब है फोर्स से उसने उसको बहुत ही बाहुबल से रोक रखा है किसी चीज को करने से। तो ये तो मूल पे है, तो इनके हाथ से तो तीर छूटेंगे और छूटते रहे हैं अपने लक्ष्य साधने के लिए। तो ये धनु राशि का विवरण है। साथ में धनु राशि के भीतर एक बहुत और महत्वपूर्ण तत्व है, जब गुण पढ़ते हैं राशियों के तो वो याद भी होने चाहिए। धनु राशि ही एक ऐसी राशि है जो अपने व्यवहार के कारण से कई बार जो उनके शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आर्थिक क्षमता में भी यदि चीजें नहीं है, घटनाएं नहीं है, तो भी उनको हाँ कह देते हैं, हाँ ये हम कर देंगे। मान लीजिए हमने उनसे कहा कि ऐसा काम हो जाएगा, हाँ हाँ हम कर देंगे, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आर्थिक क्षमता में नहीं हो, तो फिर वो बाद में पछताते हैं कि मैंने कर क्यों दिया, क्योंकि लोगों के लिए
इनके मन में एक प्रकार का भाव रहता है, लेकिन एरोगेंट बहुत होते हैं कि मेरे को ज्यादा छेड़ो छाड़ो मत। तो इनके साथ ये भी देखा गया है कि ये स्वाभिमानी बहुत अधिक होते हैं। तो ये धनु राशि की जो मेरी तरफ से व्याख्या थी आप लोगों के लिए, आगे इसे दोबारा से कुराने जी कंटिन्यू करेंगे जी। अगर उनका स्वास्थ्य साथ दे रहे हैं तो, नहीं तो फिर हम जोशी जी से कंटिन्यू करा सकते हैं। नहीं नहीं सर, बोल रही और सर फर्स्ट हाउस पे तो हो गया फिर। सर सेकंड, और सर अगर सन जैसे चलत में मूव हो जाता है सेकंड में, तो सन सेकंड में आने से कुछ ऐसा लोन किसी का पे ऑफ करना पड़े, या कोई कर्जा ऐसा देना पड़े, या कोई सरकारी पेनल्टी जो इन्होंने कर्जा ना उठाया हो, किसी और की लाइबिलिटी पे ऑफ करना। वरामीर ये कहते हैं यदि दूसरे स्थान में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के धन पे राजा दृष्टि रखता है, अर्थात जो इनके पैसे हैं, जो इनकी इनकम है उसके ऊपर सर राजा दृष्टि रखता है, और कभी कभी अनजाने में भी इनको वो कर के रूप में, टैक्स के रूप में, पेनल्टीज के रूप में वो पैसा देना पड़ता है। दूसरी बात, ये तो ठीक है कि इसमें सूर्य जो है वो लग्न में भी है और दूसरे स्थान में भी है, तो यदि लग्न में है तो इंटॉलरेंस आता है, असहिष्णुता, जल्दी से बातों से बिफरने वाले वाले, और दूसरे स्थान में है तो इसमें पुत्र चिंता देता है। पुत्र चिंता इसमें दो कारणों से और भी नजर आती है। पहली बात तो पुत्र चिंता का अर्थ है संतान चिंता, यहाँ कोई पुत्र चिंता से मतलब लड़का लड़की नहीं है, कन्या और पुत्री नहीं है, यहाँ उसका जो मूल उद्देश्य है संतान चिंता देता है। नवमेश दूसरे में बैठा हो या दूसरे स्थान का स्वामी नौ में बैठा हो तो इसके दो योग बताए गए हैं। एक तो कहा जाता है ये पुत्र चिंता देता है अर्थात संतान चिंता। दूसरी बात इसमें एक और भी कहा है कि ऐसा व्यक्ति भिक्षकों को धन देके अपना काम सिद्ध करता है, अर्थात जैसे पता है सामने वाला व्यक्ति कितना नीडी है और उसकी उस समय मदद करता है, उस समय सहायता करता है जब उसे पता लग जाता है कि ये नीडी है, और फिर उससे अपना काम निकालता है। अब ये धन के रूप में करे ठीक है, शारीरिक जैसे कहे अष्ट धन होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ये जानता है कि मैं जो मेरे सामने व्यक्ति है वो किस प्रकार से मेरे सामने याचक है, मांगने वाला है, तो मैं उसकी उस समय पे किसी ना किसी प्रकार से सहायता कर दूं, तो जीवन पर्यंत में से जो है वो लाभ उठा पाऊंगा, ऐसा इसमें संकेत आता है। याचकों को धन देके ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। यदि आप लोगों को ध्यान हो तो एक बार हमने एक पहले भी एक कुंडली लगाई थी जिसमें हमारे जोशी जी ने वो दिया था, तो हमने उसमें भी ये सूत्र का प्रयोग किया था, तो उसमें बताया गया कि वो एक महिला की कुंडली थी और वो महिला तो सीधे रूप से ही ऐसी जगह पे काम करती थी जहां पे लोन डिपार्टमेंट था, ऋण देने का डिपार्टमेंट था, तो वो स्कूटनी करती थी और उनको उसके हस्ताक्षर के बाद ही लोगों को पैसा मिलता था। तो इस पत्रिका में भी ये योग नजर आता है और उस योग के बारे में चैट बॉक्स के माध्यम से वो बता देंगे। आप कंटिन्यू करिए। सर सेकंड लॉर्ड नाइन्थ में है, सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड, सर थर्ड लॉर्ड भी नाइन्थ में है, तो थर्ड लॉर्ड नाइन्थ में है, तो सर अपना भाग्य खुद बनाना अपनी मेहनत से, और सेकेंड लॉर्ड नाइन्थ में है तो सर फैमिली के माध्यम से, फादर की हेल्प से भी कुछ धन जो है वो मिलना। और सर सेकेंड लॉर्ड सैटर्न के ऊपर आपने जो दो बातें कही उन्होंने कहा कि हाँ ये है।
और सर जैसे आप कहते हो कि रेट्रो प्लैनेट जो है वो खुद ज्यादा बली होता है, चेष्टावली, चेष्टा बली। तो जिस भाव का स्वामी है नंबर एक वो, और जिन चीजों का कारक तत्व है नंबर दो वो, उन चीजों के प्रति जीवन पर्यंत ये लगा रहता है। अगर ये हाँ देखा जी, जाए तो एक और भी योग आता है इसके भीतर, यदि भाग्य का स्वामी तीसरे में हो, तीसरे का स्वामी भाग्य स्थान में हो, तो ऐसा देखा गया है कि ये अपने भाई बहनों के लिए तो होता ही होता है, अपने साले सालियों के लिए भी बड़ा पछता है, उनको भी बड़ा, उनके लिए भी इसके मन में बड़ा रहता है कि किसी प्रकार से ये भी तरक्की कर जाए, उनको अपने साथ जोड़ के काम कराने लग जाता है। जी और सर जॉब की तरफ सर काफी डेडिकेशन से काम करना, जो भी उनका व्यवसाय की तरफ प्रोफेशन से, व्यवसाय की तरफ। और सर उसका फिलहाल जैसे उसका क्या थर्ड कारण हाउस, है, उसका क्या कारण है? एक तो सर शनि जो है वो जो है मतलब कर्म का कारक है, और सर सिक्स हाउस के ऊपर इसकी 10वीं दृष्टि भी आ रही है। सुंदर, वेरी गुड। और सर अभी फिलहाल जो है सर जैसे सैटर्न का ट्रांजिट थर्ड हाउस से हो रहा है, तो फिलहाल जो है ये चीजों में थोड़ा सा लेट बैक या प्रोकास्टिनेशन का एटीट्यूड की अभी कर लेंगे बाद में कर लेंगे, मतलब इस टाइम पे उतने ऑर्गेनाइज नहीं है जितने नॉर्मली ये ऑर्गेनाइज रहते हैं। का गोचर तीसरे स्थान से, हाँ बहुत बढ़िया। ऐसा है क्या दीपा जी? चैट बॉक्स में बताइए। यस yes. और सर सेकंड लॉर्ड शनि है, तो सर खाना ठंडा पसंद या खाना वो मतलब जो पुराना खाना खाना, या ठंडा खाना वैसे ही जो मतलब ठंडा सर्व होता है। शनि दूसरे स्थान का स्वामी होने से नहीं आता, वो क्या होता है, यदि दूसरे स्थान में शनि बैठा हो या राहु बैठा हो तो उससे ज्यादा देखने को मिला है वो। और सर सेकेंड हाउस पे मार्स का दूसरे एस्पेक्ट स्थान का स्वामी अगर शनि है तो है। ये जरूर देखा गया, यदि शनि दूसरे स्थान का स्वामी है, मकर राशि दूसरे स्थान में पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये, जैसे आपको कई कक्षाओं में बताया है, कई व्याख्यानों में बताया, शनि आठवां स्थान, शनि के कारक तत्वों में बताया था, और आठवें स्थान ये अस्तित्व से जुड़ा हुआ होता है शनि, तो जहां जहां शनि की राशियां पड़ेंगी और विशेषकर कैप्रिकॉन, ठीक है, वहां से व्यक्ति अपना अस्तित्व तलाशता है, ढूंढता है, तो दूसरा स्थान है वाणी का, व्यापार का, धन का, अपने कुटुंब का, और जहां शनि की राशि पड़ेगी कुंभ, तो वो रिक्तता का प्रतीक है, तो वहां ये देखा गया उस स्थान से उसे सूनापन बहुत मिलता है, तो तीसरे स्थान में कुंभ है, तो भाई बहनों से जो आशाएं होती हैं वो क्षीण हो जाती हैं, वो उतनी पूरी नहीं हो पाती, और दूसरे स्थान में मकर है, कैप्रिकॉन है, तो ये बताता है कि अपना अस्तित्व वाणी के द्वारा, व्यापार के द्वारा, क्योंकि दूसरा स्थान है क्रय विक्रय, चो दित्य भावो है, वाणी चे दित्य भावो, और इन सारी चीजों से वो अपना अस्तित्व तलाशता है। हाँ, यदि इस पे किसी ग्रह की दृष्टि होती, जैसे इस पे सर मंगल की दृष्टि है, मंगल ठीक है, तो मंगल तो इसमें उल्टा क्या कह रहा है कि ऐसे लोग गर्म भोजन करते हैं, तीक्ष्ण भोजन करते हैं, कभी कभी मांसाहार का भी संकेत है ये, इस प्रकार के योग देखने को इसमें अपितु ज्यादा मिले हैं। नहीं ठीक है सर। और सर मंगल का एस्पेक्ट है तो स्पीच भी वैसी होगी, हार्ट स्पीच। मंगल के आस्पेक्ट से हार्ट से स्पीच भी आती है, और मंगल के आस्पेक्ट से ओजपूर्ण वक्ता भी होता है, मतलब कई बार ऐसे लोग जब बोलते हैं ना, तो वो एक, जैसे एक जननायक थे, वो मरे हुए लोगों को भी उठा देते थे, सब खड़े हो जाओ युद्ध के लिए, तो वो इसमें आता, ओजपूर्ण वक्ता। ठीक
सर, थर्ड हाउस पे भी आपने बोल ही दिया, थर्ड लॉर्ड जो है वो नाइन्थ में, एक तो कि अपना भाग्य खुद बनाना, या सर इनका जो अपना कोई भाई कोई सिबलिंग हो उसकी अपनी पसंद से शादी होना। हाँ, ये बिल्कुल आपको, ये काफी सटीक बिंदु है। यदि तीसरे स्थान का स्वामी नौवें में है तो ये देखने को मिला है कि भाई बहन अपनी अपने पसंद से अपना विवाह करने के लिए उन्मुख होते हैं। और सर जैसे और हम सर ये जो बिंदु जैसे अष्टक वर्ग के हैं जो आपने जो बोला, उन्होंने कहा हाँ, उनके भाई बहनों में से किसी ने अपने अपने आप ही विवाह किया है। ठीक है, थैंक यू सर। और सर जैसे अष्टक वर्ग के 30 पॉइंट हैं यहाँ, तो अच्छे वक्ता सर, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। हाँ, ये वैसे तो गोचर का सिद्धांत है, लेकिन इसमें भी लगता है, ये ठीक कह रहे हो आप। एक इसमें ना मेरे को दीपा जी, एक पॉइंट मेरे को चैट बॉक्स में बताना कि इनके ये लग्न है हमारे पास 8 डिग्री का। अच्छा, तो इनके जी जो क्या बोलते हैं, जो आपने अगर इनको कभी देखा हो तो इनके कान के अंदर या इनको कोई शोल्डर के अंदर कभी कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम या कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, नंबर दो। या फिर इनके जो पिताजी थे उनके किसी भाई बहन के साथ कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई, ये मेरे को बता दीजिएगा अगर पता हो तो आपको। जी सर फोर्थ हाउस पे आते हैं, तो फोर्थ हाउस में केतु, तो सर जो इनका बर्थ प्लेस जो भी जो घर होगा वो सर लंबा, मतलब जो प्लेस ऑफ बर्थ होगा जो घर होगा वो लंबा होगा, मतलब माथा चौड़ा और लेंथ ज्यादा। और माथा चौड़ा होगा केतु के कारण से। हाँ, सर माथा छोटा और लेंथ ज्यादा। मैं आपका उससे, ये आपने ठीक बोला है, क्योंकि वो पताका है तो उसके कारण से जो फ्रंट है वो थोड़ा सा छोटा हो सकता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है पीछे जाके। ये अच्छा बिल्कुल अच्छा अच्छा बिंदु बोला आपने। और सर फोर्थ एक्सिस पे, उन्होंने हाँ भी बोला है इसको। ठीक है जी, सर फोर्थ एक्सिस पे राहु केतु है, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं है। और सर फोर्थ लॉर्ड सेवेंथ में, तो सर कोई प्रॉपर्टी या कोई घर पार्टनरशिप में हो। हाँ, ये भी है, और ये भी आता है कि जो कई बार जीवन साथी है वो माता पिता की ज्यादा मानता नहीं है, मतलब अपनी मदर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ की ज्यादा मानते नहीं। अभी ये पिता तो इनके जब चार्ट आरंभ हुआ था तो पता ही दिया था कि भाई वो एक्सीडेंट हुआ था। साथ ही साथ वो भी है कि जो जीवन साथी है वो फोर्थ लॉर्ड इन टेंथ, ससुर की सेवा नहीं करती है ऐसा कहा गया है, या फिर ससुर की सेवा नहीं करता है ऐसा कहा गया। फोर्थ फोर्थ लॉर्ड इन सेवेंथ, लॉर्ड इन सेवंथ, साथ ही साथ माँ के नाम से संपत्ति वगैरह होती है, ये भी देखा गया है। तो सर लाइफ पार्टनर के साथ सकती है। जो बाद में जीवन साथी को चली जाती है। ओके सर, लाइफ और पार्टनर के सर साथ क्या कह रहे थे बताइए, सॉरी। सर लाइफ पार्टनर के साथ भी प्रॉपर्टी हो सकती है। हाँ, वो कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ के नाम से संपत्ति होती है, बाद में उतर के वो वाइफ के नाम पे चली जाती है। और इनकी पत्रिका से देखा जाए तो ये थोड़ा सा एक अच्छा योग भी नहीं है कई बार।